बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैंगो का जूस बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि मैंगो का जूस कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस मैंगो के जूस को आप 2 से 3 मंथ तक सेव करके भी रख सकते हैं। मैं हूँ शेफ अली और आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद शेफ अली। तो आपने मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखना है, इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीट गाइड करने वाला हूँ। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीट गाइड करता हूँ। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम प्यारे प्यारे से 2 अदद मैंगो ले लेंगे और इनकी अच्छे तरीके से स्किन रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से ये कटर के साथ इसकी स्किन रिमूव होती जा रही है। आप भी इसको अच्छे तरीके से रिमूव कर लीजिएगा, कितने अच्छे तरीके से रिमूव होती जा रही है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह देखें आपको कितने आसान तरीके से, कितने आराम से ये सारी स्किन हमने रिमूव कर ली है। अब हम इसको लगाएँगे कट्स। कट्स लगा के हम इसका गुदा अलहदा कर लेंगे ताकि गुठलियाँ हमने बीच में से रिमूव करनी है। तो जी हमने मैंगो का सारा पल्प अलहदा कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमने कितने अच्छे तरीके से कटिंग करके बीच में से गुठलियों को रिमूव कर लिया है। अब हम लेंगे एक खूबसूरत सा प्यारा सा जार और मैंगो के पल्प को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 गिलास पानी और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 कप चीनी का और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में पीस लेंगे। इतने अच्छे तरीके से पीसना है कि किसी किस्म की इसके अंदर गुठली नहीं बचनी चाहिए, अच्छे तरीके से ये मुलायम हो जाना चाहिए। तो जी माशाल्लाह हमने अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है। अब लेंगे हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई और मैंगो का सारा पल्प इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए पकाएँगे मीडियम आँच के ऊपर। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक रहा है। आपने इसको 15 से 20 मिनट लाजमी तौर पे पकाना है ताकि इसको फ्रीज़ करके हम रख लें 2 से 3 मंथ तक। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपके घर में मेहमान आए उनको ये जूस बनाकर पिलाइएगा, 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको रेडी करके फ्रिज में स्टोर करके रखा होगा। आप निकालेंगे और फौरी तौर पर मेहमानों को बनाकर पिला सकते हैं आप लोग। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखें कि एक तार बनना इसकी शुरू हो चुकी है। जब एक तार बनना शुरू हो जाए तो आपने हम इसकी आँच बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। तो लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लेंगे 2 गिलास और इनके अंदर ऐड कर लेंगे जो हमने जूस बनाया है, जूस रेडी किया। ये 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेंगे, 2 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करने। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है। आपने इसको घर में बनाने की ज़रूर ट्राई करनी और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी और जूस आपको पसंद आया या नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को बहुत ज़्यादा ये जूस पसंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा ये रेसिपी आपको अच्छी लगने वाली है। आपने इसको गर्म बनाने की ज़रूर ट्राई करनी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। माशाल्लाह ये देखें कितने खूबसूरत आइस क्यूब्स हैं हमारे पास। ये देखें इस तरीके से हम आइस क्यूब्स भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर से ऊपर से थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं सादा पानी बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई सोडा यूज़ नहीं कर रहा मैं, पानी सादा पानी जस्ट मैंने यूज़ किया है। और अच्छे तरीके से एक चम्मच की मदद से मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखें कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लुक का ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इसको घर में ज़रूर बनाने की ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यह आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफा होता है। आप लोग जब मेरी वीडियो पर कोई भी कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है कि मुझे लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।